जीरो हो जाएगा, यानी आपकी 30% वेल्थ ओवरनाइट जीरो होगी। उससे कितने बैंक जाएंगे, कितने LIC जाएंगे, तो 80% भारतीयों की जो सेविंग है वो डूब जाएगी अगर केवल अदानी और अंबानी डूब गए। अदानी का शेयर टोटल 10 लाख की उसकी वेल्थ है, 2 लाख करोड़ का पिछले 2 दिन में गया है, और ये आपको लगता है कि सडन इवेंट है, एक्सीडेंटल है, सिर्फ शेयर मार्केट का डिमांड एंड सप्लाई है। ये पहले से प्लान, एक वीडियो में मैंने 15 दिन पहले बोला, इन्होंने 1 महीना पहले बोला था, 1 महीना पहले मैंने सबको बोला डूबने वाले हैं, इसी के ऊपर अटैक होने वाला है, और ये भी बोला था ये अटैक क्या, एक न्यू एक खबर आएगी, एक रिपोर्ट आएगी, एक रिसर्च रिपोर्ट आएगी बस, और ये रिपोर्ट आ गई। उस रिपोर्ट में केवल एक ही बात बोली गई है और कुछ नहीं, फिर उसके ऊपर डाटा है कि इनको जितनी टोटल वेल्थ है 10 लाख करोड़ की, उसका 85% केवल और केवल हवा है, ओवर वैल्यूड है। तो यानी जितनों ने शेयर खरीदे हैं वो उन्होंने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है उसका 85% ओवरनाइट उड़ जाएगा। अगर अदानी ओवरनाइट 85% उड़ जाता है तो क्या रहेगा भारत के सेविंग्स का? परंतु सेविंग अगर डिस्ट्रीब्यूटेड होती तो थोड़ी थोड़ी जाती, तो थोड़ी थोड़ी आती, तो वो फ्लो में रहती। अब यहां क्या हुआ, यहां से लेके उसको जीरो कर दिया जाएगा, और जैसे ही जीरो होगी गिरेंगे LIC, गिरेंगे म्यूचुअल फंड, गिरेंगे बैंक, और सबसे ज्यादा गिरेंगे SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। असल में मिडिल क्लास गिरेगा, असल दिखाई देगा, और असल में ये कौन है, इनका अपना पैसा किसी के पास नहीं है, ये सारा पैसा किसका, हमारी जो सारी की सारी सेविंग्स थी ये उसके ऊपर गई। तो सारी मिडिल क्लास ने सारी उम्र जो पैसे काट काट के अपनी काट के जो कहा वो सब गिरेगा। अब ये जो कितनी, ये जो जितने शहर है उसमें कितनी बड़ी अफरा तफरी फैलेगी, ये प्लांड है अगला। तो यानी आपके पास फूड क्राइसिस खड़ा है, आपके पास इकोनॉमी का क्राइसिस खड़ा है, आपके पास एनवायरमेंट का क्राइसिस खड़ा है, आपके पास बीमारी का क्राइसिस खड़ा है, पाकिस्तान पूरा का पूरा एज ए कंट्री डूबने में खड़ा, वहां भुखमरी फैलती है तो वहां की पॉपुलेशन कहां जाएगी, क्या वो अफगानिस्तान जाएगी, जहां खाने को मिलेगा, जहां खाने को, तो खाना कहां है, भारत। हमारे बॉर्डर FCI के पास, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास 2 लाख मीट्रिक टन अनाज होता था हर साल, वो एक्स्ट्रा रिजर्व रखा जाता था कि अगर देश में भुखमरी, युद्ध या बाढ़ या सूखे की कोई हालात आते हैं तो पूरे देश को 2 साल तक बैठ के खिला सकता है भारत, इतना अनाज का इंफ्रास्ट्रक्चर अपने पास पूरा बना हुआ था। और पिछले 1.5-2 साल से, क्योंकि हमारी टीम के अंदर हरियाणा में FCI के कुछ अफसर हैं शामिल, वो हमें अंदर खाते बोलते रहते हैं कि डॉक्टर साहब ये हो चुका है, डॉक्टर साहब ये आदेश आ चुका है, डॉक्टर साहब ये आदेश, हम उनको बताते हैं कि ये आएगा तो बताना, तो वो बताते हैं आपको कैसे पता चलता है ये आएगा, अरे ये तभी होगा ना, ये होगा तो ये होगा, सिंपल है। तो FCI का सारा गोदाम इस टाइम पे ब्लैंक हो चुका है, FCI के पास अनाज नहीं है, और FCI के अनाज को प्राइवेट प्लेयर्स को मैनेज करने के लिए उनके साइलोज में भेज दिया, जो उनके प्राइवेट स्टोरेज बड़े बड़े कैंप्स बनाए हैं, और उन कैंप्स की रक्षा करने के लिए अग्निवीर के नाम पर सेना में एक टेम्परेरी भर्ती चालू करी है 4 साल के लिए, और 4 साल में ही ये फूड क्राइसिस लेने आने वाला है, जब उधर से उनकी अग्निवीर की रिटायरमेंट होगी, इधर वो सेना बनाने का कानून ला चुके हैं कि प्राइवेट कंपनी प्लेयर्स अपनी प्राइवेट सेना बना सकते हैं, अपनी प्राइवेट पुलिस ला बना सकते हैं, प्राइवेट पुलिस एंड प्राइवेट सेना का कानून आ चुका है। मतलब आपके पास खाना नहीं है, श्रीलंका के हालात होने वाले, श्रीलंका में 1100 रुपए लीटर दूध बिका, 1100 रुपए लीटर, 1000 रुपए का ब्रेड का पैकेट बिका, पाकिस्तान में आजकल बिक रहा है, ठीक है, वो पाकिस्तान आजकल, उस टाइम की बात है, औरतों ने अपने बच्चों को रोटी खिलाने के लिए अपने गहने, अपने उनके कान नोच नोच कर ऐसे, मुझे मेरे बच्चा भूखा मर रहा है 3 दिन से, मैं क्या करूं, अपनी अस्मत उन्होंने लुटाई कि मेरे साथ जो चाहो कर लो, मेरे बच्चे को रोटी दे दो, ये हालत वहां पे लेकर के आए वो सेलेक्टिवली, और ये हालत यहाँ आएगी तो उसके बाद आपको कंट्रोल, रोटी के नाम पर आपको लाइनों में लगा देंगे। मोदी जी ने उस पहले कागजों जब ये क्राइसिस आया, यूरोप में फूड क्राइसिस जानबूझ के पैदा किया गया, तो मोदी जी वहां कह के आए कि भारत पूरी दुनिया को खिला सकता है, और इमिडिएटली भारत का एक्सपोर्ट खोल दिया गया जो पिछले काफी समय से बंद था, और 80 लाख मीट्रिक टन अनाज विद इन 2 मंथ बेचा गया, और उसके बाद वहां पहुंच करके वो अनाज रिजेक्ट हो गया कि खाने लायक नहीं है, और वो सारा अनाज समंदर में फेंक के आए।
वो असल पर्पस था यहाँ से खाली करना, यहाँ से खाली करने का। उसके साथ इमीडिएटली जब कोविड की जो सेकेंड वेव आई तो हमने 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को हमने फ्री बांटा 1 साल के लिए। अच्छा चलो वो तो बांटा। अब बीच में ये 2-1 महीना पहले चाइना करके पूरी दुनिया में एक नया वेरिएंट ला के इन्होंने फैलाया और आया नहीं, कुछ नहीं हुआ, कोई खबर वेरीफाई नहीं। परंतु इस बहाने पार्लियामेंट में से कानून पास कर लिया गया कि 5 किलो अनाज फ्री अनाज की जो बिकवाली मतलब जो बांटना है वो 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। यानी फाइनल आपके पास जो फाइनल सेफ्टी था वो अनाज था वो भी खाली कर दिया गया। और प्लस बिना आधार कार्ड के नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली बिना फैमिली आईडी के नहीं मिलेगा। आपके सारे बिजली के बिल, पानी का बिल, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपकी मोटरसाइकिल के कागज, आपकी गाड़ी के कागज, आपकी जमीन के कागज, आपके घर के कागज उस ग्रिड पर लाने होंगे तो मिलेगा। अब इस सारी के सारी सिचुएशन का सोल्यूशन क्या है? यानी ये क्या है कि दो तरह के क्राइसिस होते हैं। एक प्रकृति के क्राइसिस होते हैं, अर्थक्वेक आ गया या आग लग गई या भूकंप आ गया, वो क्या नेचर के होते हैं। नेचर क्या करती है, चीज को बैलेंस करती है। तो एक चीज की कमी होती है तो दूसरे की बैलेंस हो जाता है। तो वो जो क्राइसिस होते हैं वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं और उनको डील करने के लिए समाज की सक्षम भी होता है। अब समस्या है ये सारे के सारे क्राइसिस हैं ये कंट्रोल्ड क्राइसिस है, प्लांड क्राइसिस है, इनको रोका नहीं जा सकता। ये डोमिनो इफेक्ट की तरह प्लान किए गए कि यहां से आपने छोटी सी तिली डाली उसके साथ दूसरी एक चीज गिरेगी, फिर दूसरी गिरेगी, फिर तीसरी गिरेगी। वेरी सिंपल है कि यहां से फसल इस साल 30% फसल कम हुई है और अगली बार बीज बांझ आएगा। और अगली बार किसान के पास अपना बीज नहीं है, मार्केट में बीज नहीं होगा, आपके पास खाना नहीं होगा और आपको जीएमओ ही लेना पड़ेगा। अब वो उन्होंने डिसाइड किया कि दुनिया में जो जितनी बायोडाइवर्सिटी है उनको खत्म करो, केवल और केवल 12 क्रॉप्स हैं जो दुनिया में होगी, वही लोग खाएंगे, वही लोग पिएंगे, वही लोग काम करेंगे। उनको बनाने का जो काम है वो सिलेक्टेड दुनिया के सारी नीड्स है, रोटी कपड़ा मकान से लेके बीज से लेके दवाई से लेके, उन्होंने 500 कंपनियां सिलेक्ट कर ली और सारे के सारे जो फंड है, सारा का सारा मार्केट है, सारा का सारा ब्रांड है, सारी की सारी पावर वहां तक सीमित कर दी गई। और इनके सामने जितना भी ऑपोजिट था, चाहे वो प्राइवेट का था, चाहे वो गवर्नमेंट का था, तो हुआ क्या, 2014 के बाद एक ही काम हुआ कि जितनी भी पब्लिक सेक्टर की यूनिट है, 3,000 यूनिट है, वो सारी की सारी बेच दो और वही बिकवाली की गई। यानी पहले आजादी के समय हमने क्या किया, जो भी था वो समाज का था, ठीक है। तो अंग्रेजों ने कैपिटलिज्म के साथ उसको प्राइवेटाइज करो, तो उसके विरुद्ध इसको सोशलाइज करो, यानी गवर्नमेंट को कर दो। अब क्या हुआ, फिर पहले इंदिरा गांधी उसको गवर्नमेंटाइज करती गई, नेशनलाइज करती गई, नेशनलाइज करती गई। मोदी साहब आए या उसके बाद मनमोहन सिंह आए या जो भी आए, वो उसको प्राइवेटाइज करते गए। परंतु प्राइवेटाइज करते गए, अब फाइनल प्राइवेटाइजेशन मोदी साहब ने किया कि जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट है जो 140 करोड़ भारतीयों के हैं उनको सबको प्राइवेट। प्राइवेट क्या था, कॉम्पिटेंट लोगों को दिया या दो लोगों को दिया, वो दो लोगों तक रिड्यूस कर दिया गया। अब ये सारी की सारी सिचुएशंस है, इसको हम कहते हैं कि दुश्मन को अगर हराना है तो उसको युद्ध में नहीं, क्योंकि दुनिया में अब कोई वो युद्ध नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने बैंकिंग के थ्रू, अलग अलग पॉलिसीज के थ्रू सारी की सारी वेल्थ है वो अपने कंट्रोल में ऑलरेडी ले ली है। अब वो मानते हैं कि सारी वेल्थ किसकी है, हमारी है। आप अपने घर में रहते हैं परंतु कागज उनके पास है ना, बैंक के पास है, असली प्रॉपर्टी तो उनकी है। वो नहीं चाहते कि अपनी कोई भी प्रॉपर्टी डिमेट करे। तो हमें क्या करना है, हमारी प्रॉपर्टी पे रहने वाले ये कम से कम क्या है कि 300-500-600 करोड़ जो लोग हैं वो अनवांटेड हैं, क्योंकि अब हमारी मार्केट में 80% जॉब उड़ चुके हैं। तो 80% लोगों की जरूरत भी नहीं है, ना कंज्यूमर के तौर पर ना प्रोड्यूसर के तौर, क्योंकि वो प्रोड्यूस कर ही नहीं रहे। तो शहरों के लगभग ज्यादातर पॉपुलेशन क्या है, पैरासाइट पॉपुलेशन है, ये कोई प्रोडक्शन नहीं कर रही है। अब इनकी और क्या कर रहे हैं, ये बैठे बैठे हमारी प्रॉपर्टी को खा रहे हैं, ये बैठे बैठे धरती को पोल्यूट कर रहे हैं, ये एजेंडा है। इसलिए इनकी संख्या कम करो, परंतु वो संख्या इस तरह से नहीं कम करना चाहते कि युद्ध हो, वो उनकी प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब किए बिना सब कुछ होना चाहिए। तो 3 एजेंडा है, पहला बीमारी से मरे, दूसरा है और पैदा ही ना करें, सिविल वॉर से मरे, आपस में लड़के मरे ताकि प्रॉपर्टी ना खराब हो, तीसरा है नई नई पेंडेमिक, नए नए इश्यूज क्रिएट किए जाए, बीमारियां हो, और अल्टीमेटली भुखमरी से मरे।
तो दुनिया की सप्लाई लाइन को इस हद तक तोड़ दिया गया कि अब पूरी दुनिया के कम से कम नहीं तो 80 देशों में भुखमरी के हालात पैदा हो चुके, पाकिस्तान में हो चुके, श्रीलंका में हो चुके, बांग्लादेश में भी बड़ी तेजी से हालात बदल रहे हैं। इंडिया अकेला था जो खड़ा था, 2008 का वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस था पूरी दुनिया में। वो इकोनॉमिक क्राइसिस का मतलब है जब आप फ्री मार्केट में होते तो एक जगह क्राइसिस होता है तो पूरी दुनिया को उससे इफेक्ट होती है। उससे पहले मतलब रशिया में युद्ध हो तो हमें क्या फर्क पड़ता था, कोई नहीं पड़ता। इस बार पूरी दुनिया को फर्क पड़ा ऑयल की प्राइसेस के थ्रू, फूड की प्राइसेस के थ्रू। अब इन्होंने पूरी दुनिया को इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है कि एक जगह हल्का सा भी रिपल आएगा तो दूसरी जगह डोमिनो इफेक्ट से उसका असर पड़ेगा। तो इन्होंने पूरी दुनिया को इतना कनेक्ट कर दिया, अगर दुनिया में कहीं भी किसी भी देश में इकोनॉमिक क्राइसिस ये पैदा करते हैं तो उसका इफेक्ट पूरी दुनिया में होने वाला है। अब हमें इस कनेक्टेड कंट्रोल्ड डोमिनो इफेक्ट से, डिस्टेंस से कंट्रोल की जाने वाली दुनिया को में उन्होंने क्राइसिस सारे के सारे कर दिए, क्योंकि जिस व्यवस्थाओं को उन्होंने बनाया था उन्हीं व्यवस्था को उन्होंने तोड़ा। वो चार पांच व्यवस्थाएं तोड़ने वाले हैं परमानेंटली। पहली व्यवस्था वो तोड़ने वाले हैं वर्ल्ड फाइनेंशियल सिस्टम, करेंसी, चाहे वो डिजिटल हो चाहे वो कैश हो, ये दोनों को परमानेंटली खत्म करने वाले हैं। अलग अलग देशों की जो अलग अलग करेंसीज हैं, चाहे वो डॉलर हो चाहे वो पाउंड हो चाहे वो यूरो हो, उसका कारण ये है क्योंकि वो इतनी ज्यादा अविश्वसनीय हो चुकी हैं कि असली वेल्थ है केवल 30 ट्रिलियन डॉलर की, वो छाप के बैठे हैं 1000 ट्रिलियन डॉलर। अब लोगों को पता चल गया कि इन्होंने नकली छापा है, इसके पीछे कोई आधार नहीं है। आज ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, बलारा जी गजब की रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि कितने लोग मानते हैं कि आने वाले 6 महीने के अंदर पूरी की पूरे बैंक, पूरी की पूरी फाइनेंशियल सिस्टम, पूरी की पूरी गवर्नमेंट गिरने वाली है। तो उनका रिसर्च है, 38 कंट्रीज का रिसर्च है कि 60% लोग मानते हैं सारी व्यवस्था ध्वस्त होने वाली है। यानी उन्होंने क्या कर लिया, ये प्रोग्रामिंग ये क्या कर रहे हैं, ये लोगों पे डाल रहे हैं, पहले से प्लान उनका है, नाम लोगों का डाल रहा है। अब उनका प्लान है कि फाइनेंस मतलब पूरा का पूरा डॉलर और दुनिया की करेंसीज को खत्म करना, नंबर टू डेमोक्रेसी कंप्लीटली खत्म करना, नंबर तीन जो राष्ट्रीयताएं हैं नेशनैलिटीज हैं इनको खत्म करना, नंबर चार प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म करना, रिलीजन भी, नंबर पांच रिलीजन खत्म करना सारे रिलीजन, नंबर छह जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज डाइवर्सिटी है, एजुकेशन डाइवर्सिटी है, सोच की डाइवर्सिटी है, उनको खत्म करना, राइट। तो ये सारी की सारी व्यवस्थाओं को क्योंकि उन्होंने स्टेप बाय स्टेप खड़ा किया तो उनको पता है कि कैसे ये खड़ी हुई है और कैसे एक के कौन सी कील हिटानी है ताकि ये बिल्डिंगें गिरे। तो इस सारी बिल्डिंगों को गिराने का ये प्लान आपके सामने है और ये जो होना है अगले 3-4 साल में होना है, उसमें एक जो स्टम्बलिंग ब्लॉक है मतलब बैलेंस ऑफ पावर में वो चाइना और इंडिया है। इंडिया और चाइना की और रशिया की इंडिजिनस कल्चर्स हैं, यहाँ वो कल्चर्स हैं वो सदियों से चली आ रही हैं। यूरोप की कल्चर कभी कल्चर कंटिन्यू कल्चर नहीं रही है दूसरे देशों में। अफ्रीका साफ हो चुका है, अमेरिका का, साउथ अमेरिका का ज्यादातर हिस्सा साफ हो चुका है। अब जो बचा है ऑपोजिशन के तौर पे केवल और केवल एशिया बचा है, क्योंकि यहाँ के गांव आज भी इंडिपेंडेंट है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, एक गांव कितना उत्पादन करता है, जितने वहां के लोग हैं उनसे कम से कम 4 गुना हर गांव उत्पादन करता है। तो आज हम अपने आप को दुनिया से काट लेते हैं तो उस गांव को कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो अब हमारे पास दो व्यवस्थाएं, एक सेंट्रलाइज व्यवस्था है जिसको कौन कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल करता है जिसको हम नहीं जानते, किस तरीके से कंट्रोल करते हैं हम नहीं जानते। दूसरी व्यवस्था है जिसको हम कंट्रोल करते हैं गांव में,
जो हर व्यक्ति एक दूसरे को जानता है, अपने रिसोर्सेज को जानता है, अपने प्रोडक्शन को जानता है, अपनी कमियों को जानता है, अपनी खूबियों को जानता है, और उसको वो कंट्रोल कर सकता है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो न्याय हो, चाहे वो उत्पादन हो, राइट। तो हम अपने पर्यावरण को, अपने जल के अंदर जमीन है, हम कंट्रोल करने की स्थिति में गाँव में, और दूसरी वो व्यवस्था है तो ये सारा का सारा कंट्रोल खत्म करने की व्यापक है, क्योंकि तब वो मार्केट में कन्वर्ट होगा। अगर आपके गाँव में आपका कंट्रोल है तो मार्केट में वो एंटर नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने पिछले 30 साल से दुनिया भर के मॉल खोले, इंडिया में मॉल खोले और बंद हो गए। क्यों? क्योंकि इंडिया की जो कल्चर है वो डिसेंट्रलाइज है, वो फूड में भी, कल्चर में भी, थिंकिंग में भी, भाषा में भी, हर तरीके से। तो ये डिसेंट्रलाइज हैप्पी कल्चर है ना, सेल्फ डिपेंडेंट हैप्पी कल्चर है, ये वन मार्केट को तो उनका प्रॉफिट कम होता है, खेती की वजह से ही होना ये। हाँ, तो खेती के कारण है। तो अल्टीमेटली उन्होंने 3 कानूनों के द्वारा उस खेती को कंट्रोल कर लिया, परंतु किसान उठ खड़ा हुआ, वो 3 कानून रुक गए। अब वो उस कानूनन तरीके से आगे नहीं जा पाएंगे। अब उनको क्योस चाहिए, फूड क्राइसिस चाहिए, बीमारी का क्राइसिस चाहिए, ये सब कुछ चला जा रहा है। अब जो सारी की सारी जो लड़ाई है वो शहर वर्सेस गांव आ गई, मैकेनाइज वर्सेस मीडिया वर्सेस इनडायरेक्ट वर्सेस डायरेक्ट। अब गांव की स्ट्रेंथ क्या है कि हम आमने सामने हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। शहर में क्या है, कोई किसी को जानता नहीं है, और शहर में किसी के पास अपने आप को सस्टेन करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो भुखमरी कहाँ आएगी, गांव में आएगी या शहर में आएगी? तो भारत की 37-47% पॉपुलेशन स्ट्रेस में आएगी। ये सारे के सारे क्राइसिस है। तो इस क्राइसिस को डील करने के लिए, क्योंकि उन्होंने प्लान किया है तो हम तो विक्टिम हैं, परंतु अगर हम उनका प्लान समझ जाते हैं तो हम अपना काउंटर डोमिनो इफेक्ट खेल सकते हैं। तो हमें यह समझना है कि हमारा काउंटर डोमिनो इफेक्ट क्या होगा, जब वो ये चलेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास अल्टरनेटिव क्या है, हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी सोच क्या है, उनका मोटिवेशन क्या है, उनके अल्टरनेटिव क्या है, उनकी स्ट्रेटजीज क्या है, उनकी कमियां क्या है, खूबियां भी क्या है, वो हम समझे, इसलिए हम ये सारी चर्चा कर रहे हैं। परंतु अब हमें डरने डराने वाला काम तो पूरा हो लिया, अब इस बात पे आ गए कि हमें करना क्या है, हमारे पास अल्टरनेटिव क्या है, हमारे पास हमारी ताकत क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इस एक पॉइंट को समझने के लिए, डिस्कस करने के लिए शायद हम लोग बैठे। अब वही था पॉइंट, ये तो माना साहब थे तो हमने इतना डिटेल में बात करी, ये तो मोस्टली टू द पॉइंट सारे लोग जो हैं बिंदु को समझते थे। इस पूरी कहानी पे चर्चाएं लगभग 2-3 साल से चल रही हैं। मैं बीमारी आने से पहले ही बोलना शुरू कर दिया था हमने, बीमारी लाई जाएगी। हमारे कुछ साथियों ने तो 2015 में वीडियो में बोला हुआ है कि 2020-21 में बीमारी लाई जाएगी, जिसमें आप लोगों को लॉकडाउन लगा के घरों में कैद किया जाएगा। वो सब कुछ लंबे टाइम से प्लानिंग में था, और वो प्लानिंग जो होती है वो अब हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं। अगर हम में से कोई आदमी जो है बाहर जाके किसी को बता देगा तो वो आदमी को मालूम होगा ना हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि हमारी योजना का हिस्सा रहा है वो। तो ऐसे करके ये चीजें जो है वो लीक आउट होती रहती हैं। दूसरा, ये लोग हम लोगों की बात को डाइल्यूट करने के लिए इन बातों को वो मूवीज में डालते रहते हैं, एक बात किसी मूवी में डाल दी, दूसरी किसी में डाल दी, ताकि जब हम जाके लोगों को बताने लगे तो वो लोग हमको ये कह सकें कि यार तुम तो फिल्मों जैसी बात कर रहे हो, फलानी फिल्म में ऐसे ही हुआ था, फला कार्टून में ऐसे ही हुआ था। तो इसलिए वो फिर हमारी बात की जो सीरियसनेस है उसको वो कहता है नहीं ऐसे थोड़ी होगा, पूरे दुनिया में ऐसा हो रहा है, ये थोड़ी होता है, कुछ लोग ऐसे थोड़ी करते हैं। उनको थोड़ी पता है कि गांव में जो गांव में आंगनबाड़ी वर्कर थी, आशा वर्कर थी, मैं एक गांव में गया, मैंने कहा तुम्हें मालूम है ये आंगनबाड़ी वर्कर किस लिए लाई गई थी? बोली ना। मैंने कहा ICDS के बारे में मालूम है किसी को? मालूम है आपको ICDS का? ICDS किसी को नहीं पता, बेचारों को गांव वालों किसी को नहीं पता, हमें नहीं पता है ना। तो मैंने उनको बोला कि तुमको नहीं मालूम ये क्यों आई थी आंगनबाड़ी वर्कर आपके गांव में? बोलते मैं कहा अच्छा एक बात बताओ, आंगनबाड़ी वर्कर ने आके सबसे पहले क्या किया था? उन्होंने गांव के बच्चों को जो दिन में खेलते थे वही मौज मस्ती में फैमिली से सोशल कल्चर सीखते थे, उनको उन्होंने अपने घर बुलाना शुरू किया। अब कोई जाता नहीं था क्योंकि वहां कुछ प्रोडक्टिव तो हो नहीं रहा, तो उन्होंने उनको चूरी देनी शुरू की स्टार्टिंग में, डबल रोटी, सबसे पहले डबल रोटी देनी शुरू करी। मतलब वो नई आइटम थी,
गांव में डबल रोटी नहीं एंटर की थी उस टाइम तक, जब आंगनबाड़ी ने, आंगनबाड़ी वाले सबसे पहले दुकान पे आने से पहले डबल रोटी आंगनबाड़ी में आई, सूखा दूध शहर में मार्केट में आने से पहले आंगनबाड़ी में आया। ये पूरे इंडिया, पूरे पैन इंडिया नहीं, वैन पैन वर्ल्ड हुआ ये, पूरी दुनिया के अंदर। पहले वो एक में टेस्ट किया, पहले वो अफ्रीका, पहले वो किसी एक कंट्री में जहां से मीडिया नहीं होती, जहां से खबर बाहर नहीं जाती, पहले वो ऐसी जगह छोटे लेवल पे टेस्टिंग करते हैं, वहां उसका इम्पैक्ट देखते हैं, फिर पढ़े लिखी तबके में देखते हैं, फिर उसका इम्पैक्ट चेक करते हैं, जो रिसर्च का जो पैटर्न होता है, रिसर्च का सेम पैटर्न होता है, तो वो एक पर्टिकुलर कंट्रोल्ड पार्ट पे उसका इम्पैक्ट देखते हैं कि इससे परिवार टूटे कि बने, इससे लोग बेवकूफ हुए कि समझदार हुए, इससे फूड क्राइसिस आया कि बचे, वो उस पर्टिकुलर एरिया में देख के उसको फिर वो बड़े लेवल पे लॉन्च करते हैं, उसको दूध की चाशनी, उसको शहद की चाशनी में लपेट कर, मतलब जब दवाई देनी होती है ना गाय को, तो गुड़ में लपेट के, तो वैसे बोलते हैं कि गुड़ में दे देना, रोटी में दे देना, तो वो रोटी में लपेट के देते हैं। तो ICDS प्रोग्राम लेकर के आई है, ICDS था इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, और ये प्लान था यूनाइटेड नेशंस का, और इसको लाया गया यूनिसेफ के जरिए, बच्चों को स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, WHO और यूनिसेफ का कंबाइंड प्रोग्राम था। मैंने गांव में जाके एक बुढ़िया से पूछा, मैंने कहा ताई कितने बालक मरा करते जन्म के टाइम पे, क्या हो गया भाई, साल में कोई एक दो बच्चा बर्थ के टाइम पे मरता था, एक दो बच्चा, दो चार बच्चे मरते थे, बस इतना ही मरते थे, हाँ इतना ही थे और क्या। ये देखिए तेरी दादी के 8 है, मेरे दादा के 8 बच्चे हैं, इनमें से कोई नहीं मरा, इसके देख तेरे तुम 5 भाई बहन हो, थारे में से एक मरा था, हमारे में से मेरा एक भाई मरा था, तो ऐसे करके वो एग्जाम्पल देते। तो मैंने कहा डॉक्टर की कितनी जरूरत पड़ती थी, डॉक्टर की जरूरत थी, दाई कर देती थी डिलीवरी, हाँ दाई को मालूम होता था, पेट का हाथ लगाते ही बता देती थी, बच्चा सीधा है, उल्टा है, कैसा है, वजन कम है, ज्यादा है, कैल्शियम की कमी है, कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, सब कुछ बता देती थी वो डिलीवरी घर। बोली दाई छोड़ो, खेत में काम करते करते बच्चे जन्म दिया करते हम, चलते चलते, ठीक है, जिस देश के अंदर चलते चलते बच्चे जन्म दिया करते थे, जिस देश ने दारा सिंह पैदा किए हो, जिस देश में पहलवानों की और हेल्थ के नाम पे मतलब इतनी जबरदस्त जिसका इतिहास रहा हो, उस देश के लोगों को इन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट सिखानी शुरू की, लोगों को समझ नहीं आया। वो असल में जा करके, आज जा करके आंगनबाड़ी वर्करों के पास जो रजिस्टर हैं उनको देखो तो सही, वो कागज कहाँ के हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कागज हैं। तो किस जगह पर कौन सा टीका लगने से कितने बच्चों को कौन सी बीमारियां हुई, ऑटिज्म कितनों को हुआ, नपुंसकता कितने परसेंट बढ़ी, सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है, वो मतलब प्लान्ड स्ट्रेटजी के तहत इन्होंने सब कुछ किया। अब आज अगर हम लोग प्लान नहीं करेंगे भाई, वो तो दिन रात लगे हुए हैं, उन्होंने तो अपने आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, टीचर्स, कलेक्टर्स, SDM और मतलब जितना डिपार्टमेंट है, सारे ब्यूरोक्रेट्स को उन्होंने इस काम पे लगा रखा है 24 घंटे आपके लिए। इस टाइम भी जाओगे तो ऐसे रेल बनी रहती है, सारे पॉलिटिशियन इसी काम पे लगे हुए हैं, और हम लोग ठाट से मौत